हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। साल था 2003 का, जब जॉनी अब्राहम ने मॉडल से एक्टिंग की शुरुआत करी थी या फिर अपने मॉडलिंग करियर से एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी। बताया ये भी जाता है कि महेश भट्ट की खोज कहा जाता है जॉनी अब्राहम को उस टाइम की। जॉनी अब्राहम ने साल 2003 में एक फिल्म करी थी जिसका नाम है जिस्म, जो कि बिपाशा बसु के साथ उन्होंने करी थी और मूवी जो है काफ़ी अच्छी रही थी। उसके बाद में लोग जॉनी अब्राहम ने जो है 4 मूवियाँ करी जो कि बैक टू बैक फ्लॉप हुई, जिसमें लगभग सत्या, कबीर और सॉरी लकीर और एक दो फिल्में और शामिल है जिनका मेरे को अभी नाम याद नहीं है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी फिल्म जिसके लिए सलमान खान ने भी मना किया, संजय दत्त सर ने भी मना कर दिया, लेकिन फिर वो फाइनली गई जॉनी अब्राहम के पास और जॉन अब्राहम ने इसके लिए एक बार में ही हाँ कर दिया। 4 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो चुकी थी, तो ये बात है उस टाइम की जब धूम बन रही थी। इसमें अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा जो है वो फाइनली कास्ट हो चुके थे, या फिर मतलब फाइनल था उनका कि ये लोग होने वाले हैं, लेकिन ये फिल्म पहले सलमान खान के पास गई। कबीर नाम का जो नेगेटिव करेक्टर है इसको प्ले करने वाले थे सलमान खान, किसी कारणवश उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद संजय दत्त सर के पास गई, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर फाइनली जाकर नज़र मूवी के मेकर्स की टिकी अपने कबीर पे, यानी कि जॉनी अब्राहम सर पे। जॉनी अब्राहम सर ने फटाक से इसके लिए हाँ बोला। उसके बाद में बताया जाता है कि उस टाइम पे मूवी में जो बजट था वो लगभग 11 करोड़ के आसपास का था। मूवी ने अगर बात करें इंडिया के अंदर 32 करोड़ के आसपास, यानी 31.60 लाख के आसपास, 31 करोड़ 60 लाख के आसपास का कलेक्शन किया था। वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो 52 से 54 करोड़ के आसपास का कलेक्शन उस टाइम पर किया था। उसके बाद में धूम 2 की अगर बात करें तो उसमें हमको ऋतिक रोशन एज ए विलन नज़र आए थे। धूम 3 में हमको आमिर खान विलन के करेक्टर में देखने को मिले। अब धूम 4 के अंदर देखो किसको कास्ट करते हैं, अभी कुछ फाइनल है नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्में जो है कोई और एक्टर जो है रिजेक्ट करता है, फाइनली वो किसी और की झोली में गिरती है। ऐसे जो किस्से हैं वो मैं आपको टाइम टाइम पे बताता रहता हूँ। तो अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।